क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार गिरने वाली है? क्या योगी के 100 विधायक अखिलेश यादव के संपर्क में हैं? क्या योगी की सरकार गिराकर अखिलेश यादव यूपी में सरकार बनाने वाले हैं? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि यूपी में इस वक्त जबरदस्त बवाल मचा हुआ है और योगी सरकार की विदाई की अटकलों के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुछ ऐसे संकेत दिए हैं जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी में योगी सरकार कभी भी गिर सकती है। अखिलेश यादव ने आज सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, मॉनसून ऑफर, सो लाओ सरकार बनाओ। अखिलेश यादव ने इस पोस्ट में किसी भी भाजपा नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन मीडिया में ऐसी सुर्खियां हैं कि अखिलेश यादव की ये पोस्ट बीजेपी में पिछड़ों के नेता कहे जाने वाले केशव प्रसाद मौर्य के लिए है। केशव प्रसाद मौर्य लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद से ही कई बार दिल्ली के चक्कर लगा चुके हैं और माना जा रहा है कि मौर्य और योगी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और दोनों के बीच खाई ज्यादा ही बढ़ चुकी है। ऐसे में क्या अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी के 100 विधायक तोड़कर लाने पर मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दे रहे हैं? ये वो सवाल है जो इस वक्त यूपी की राजनीति पर नजर रखने वाले हर शख्स के दिमाग में उठ रहा है। जो बीजेपी दूसरी पार्टियों में तोड़फोड़ करती थी और किसी भी राज्य में बनी बनाई सरकार को गिराकर अपनी सरकार बना लेती थी, अब उसी बीजेपी में टूट का खतरा बढ़ गया है और राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि यूपी में कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जा सकती है, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि योगी की जगह अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनने का ऑफर दे सकते हैं। दरअसल इस बात का कयास लगाया जा रहा है कि अखिलेश यादव महाराष्ट्र मॉडल पर काम कर रहे हैं और जिस तरह से बीजेपी ने महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की बनी बनाई सरकार को गिराकर शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया था, उसी तर्ज पर यूपी में भी खेला हो सकता है। अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य को सीएम पद का लालच दे सकते हैं और राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। हमने कई बार ऐसा देखा है कि सरकार बनाने के लिए कुछ भी उलटफेर हो जाता है। अगर मौर्य ने अखिलेश का ये ऑफर मान लिया तो फिर सिर्फ योगी की कुर्सी नहीं जाएगी बल्कि यूपी से बीजेपी की सरकार भी चली जाएगी। केशव प्रसाद मौर्य और योगी के बीच खींचतान की खबरें पिछले कई दिनों से आ रही है। इसी कड़ी में मौर्य कई बार दिल्ली आए और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की, लेकिन खबर है कि मोदी और शाह से मौर्य की मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन खबर यह आई कि यूपी में सियासी हलचल के बीच में अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने और उनसे बात करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खींचतान के बीच यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने लखनऊ स्थित राजभवन पहुंचे थे। केशव प्रसाद मौर्य के लगातार बगावती तेवर के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है और कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि यूपी की सियासत में बदलाव के आसार हैं। आपको ये समझाते हैं कि मौर्य और योगी के बीच तकरार की शुरुआत कहां से हुई। दरअसल 14 जुलाई 2024 को लखनऊ में बीजेपी की बैठक चल रही थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में यूपी सरकार के दो शीर्ष नेताओं ने यूपी के अंदर बीजेपी के खराब प्रदर्शन की अलग अलग वजह गिनवाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अति आत्मविश्वास को यूपी में खराब प्रदर्शन का कारण बताया। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार के संगठन से बड़े होने की बात कही। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने यूपी में खराब प्रदर्शन के लिए अलग अलग कारण बताए, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के बयान को योगी सरकार के खिलाफ टिप्पणी के रूप में देखा गया। केशव प्रसाद मौर्य कहना चाह रहे थे कि यूपी की योगी सरकार पार्टी से बड़ी हो गई है। वहीं दूसरी तरफ योगी के बयान को इस रूप में लिया गया कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो अति आत्मविश्वास में था। इन दोनों के बयानों और अलग अलग मुलाकातों के बाद यूपी में बीजेपी को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे। योगी ने तो ये तक कह दिया कि कुछ लोग उछल कूद कर रहे हैं, लेकिन इनको उछल कूद करने का मौका तक नहीं मिलेगा। आप इन दोनों के बयान सुनिए। संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। कमल चुनाव चिन्ह को विजयी बनाने के संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका भी सम्मान होगा, सर्वत्र सम्मान भी मिलेगा और जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा।
इन दो बयानों ने यूपी की सियासत में बवाल मचा दिया है। यूपी में जल्द ही 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, मझवा, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कटेहरी और कुंदरकी के विधायक इस बार लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए हैं। वहीं 10वीं सीट सीसामऊ पर सपा विधायक इरफान सोलंकी की आपराधिक मुकदमे में सदस्यता रद्द हो गई है। इन सीटों पर अभी उपचुनाव का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी तक तमाम दलों ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। योगी आदित्यनाथ ने एक एक सीट पर दो दो मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है, पूरी ताकत लगा दी है कि जो लोकसभा चुनाव में हार हुई है, बुरी स्थिति यूपी में बीजेपी की हुई है, तो वो दाग को धो दें और 10 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है उसमें वो बेहतर प्रदर्शन करें। ऐसे में उपचुनाव के बाद बड़ा खेल हो सकता है या फिर उससे पहले ही बदलाव की गुंजाइश बनी हुई है। ऐसा पहली बार नहीं है जब योगी आदित्यनाथ को यूपी की कुर्सी से हटाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। रह रहकर अक्सर ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं उसने कहीं ना कहीं उन अटकलों को हवा दे दी है। आपको याद होगा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तो लोकसभा चुनाव में ऐलान कर दिया था कि चुनाव खत्म होते ही योगी की कुर्सी जाने वाली है। चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी के बीच की जंग में कौन बाजी मारता है। वैसे देखना तो ये भी होगा कि क्या मौर्य के साथ अखिलेश यादव महाराष्ट्र मॉडल दोहरा पाते हैं, क्या उनका पीडीए फॉर्मूला काम आएगा, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य भी पिछड़े समाज से हैं, अखिलेश यादव भी पिछड़े समाज से हैं, तो कहीं पिछड़े मिलकर अगड़ों की सरकार को ही अलविदा ना कह दें। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।